वनमहाराज सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 188 स्वराज में सुराज। धर्मानुरागनी प्यारी जनता, अभी हम लोग बहुत अंदेशे चिंता में नहीं हैं। कुछ मास पूर्व हम लोगों को बहुत चिंता हुई थी, क्योंकि सुना था कि चीनियों ने चढ़ाई की है और वे बढ़े आ रहे हैं। आज उतनी चिंता नहीं है, चीनियां आता हम पर हुकूमत करता, हमारा नुकसान करता, हम लोगों को चिंता हुई कि हम लोग नुकसान में न पड़े। जहां तक हमारी हद है, जहां तक हमारी हद में वो आ गया है, हटा दें उसको, अपनी हद में पहुंचा दें। जब कोई दूसरे पर चढ़ाई करता है तो वह उसकी संपत्ति लूटने, उसको बेइज्जती करने और उस पर अपनी प्रभुता लादने आता है। इसलिए तन मन और धन से देश की सहायता कर उसको हटाना चाहिए। अभी आप पर किसी का दबाव नहीं है, कोई आप पर हुकूमत नहीं करता, अपनी सभा के द्वारा देश की शासन संभाल होती है। एक ओर तो यह है और दूसरी ओर है कि हम अपने राज्य में रहकर भी अशांत रहते हैं। क्यों? देश के निकट के लोग व कुछ देश के लोग भी चोरी डकैती करते हैं, हमको लूटते हैं तो हम अशांत हैं। आप अपने अंदर सोचिए, सत्संग में आप जाते हैं, सदग्रंथों का पाठ आप सुनते हैं, वहां होता है कि तुम्हारे अंदर क्रोध आवे तो क्रोध ना करो, काम का विकार आवे तो वैसा मत करो कि परलोक और ये लोक बिगड़ जाए। कभी लोभ होता है, कभी मोह होता है, कभी सत को असत और असत को सत समझकर चलते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। दूसरे देश के लोग को हटाओ और अपने देश के लोगों को भी जो हमको लूटते हैं उनको हटाने और संभालने कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह होता है, इन विकारों द्वारा हमारा आध्यात्मिक ज्ञान मटिया मेट हो जाता है। विदेशी और दूसरे जब कोई हमको लूटते हैं तो हम उसको मारते पछाड़ते और भगाते हैं, किंतु अपने अंदर में जो ये विकार हैं उनको क्या करो। आज के युग में जितने शस्त्र शास्त्र निकले हैं, आज के युग में जितने शस्त्रास्त्र निकले हैं वे उन विकारों को मारने में सफल नहीं है। काम क्रोध लोभ और मोह सेनापति और दंभ कपट पाखंड योद्धा हैं।
ये बाहरी दुश्मनों से भी अधिक तबाह हमको करते हैं। हम इनसे बचें और बचकर जाने की से सुख होता या दुख। साधु संतों ने जो इसे जाना, इसे दूर किया और कहा कि था क्यों सब करी कर्म गुसाई, सुखी न भयो अब ही की नाई। सोचने की बात है कि हर एक प्रेमी सत्संगी ज्ञानवान विचारिए कि आपके अंदर में काम क्रोध लोभ आदि नहीं उत्पन्न हो तो आपका हृदय कितना शांत रहेगा। इतनी शांति जितनी कि हम चाहते हैं या कैसे हो, ये हमको होते क्यों है? संसार में रहने से ऐसा होता ही है। फिर प्रश्न होता है कि हम संसार में क्यों रहते हैं? संसार में इसलिए रहते हैं कि हम शरीर में रहते हैं। शरीर में नहीं रहे तो संसार में भी नहीं रहे। जब से जीव सृष्टि में है तब से हम शरीर में हैं। कभी उद्भिज, कभी उष्मज, कभी अंडज, कभी पिंडज, कितनी बार हम आए गए और इनके कितने संस्कार पड़े ठिकाना नहीं। इनके संस्कार प्रेरित करके हमसे अकर्तव्य और पाप कराकर मायाधीन बनाए रखते हैं। लोग कहते हैं कि आप मनुष्य हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं कि कहते तो ठीक हो लेकिन मौका आता है ज्ञान भूल जाते हैं, अज्ञानता आ जाती है और जो नहीं करने का वह भी कर बैठते हैं। माया की सेना हमसे हटती नहीं है। तब ऐसा होता है कि कोई ऐसा जबरदस्त सहारा मिलता जिसके द्वारा इन दुष्टों को भगाया जाता। या माया किसकी है? या माया ईश्वर की है, उसके अधीन है। उसके अधीन में इस तरह है कि उसके जरा सा इशारा पर ऐसा वे जैसा वे कराना चाहते हैं माया से कराते हैं। संतों ने कहा कि उस ईश्वर की शरण लो, उसका आश्रय ग्रहण करो। जो ईश्वर का भजन करता है वह ईश्वर के शरण में है। मैंने मनिहारी में एक स्थान बना रखा है। अब से बहुत वर्ष पूर्व वहां के एक आदमी पर मुकदमा हुआ था, उसको सजा हो गई। उसने कहा कि मैं अपने को समर्पण करने जा रहा हूं। उसके मन में था कि छूट जाऊं लेकिन गया समर्पण करने। अलेक्जेंडर द ग्रेट की कथा मैंने पढ़ी थी। सिकंदर ने एक बड़े नामी डाकू को पकड़ा था। उसने उस डाकू से पूछा कि तुम लोगों को क्यों लूटते हो, सताते हो? डाकू ने कहा मेरे शरीर को तुमने बांधा है, मेरे मन को नहीं। तुम बड़ा डाकू हो और मैं छोटा डाकू हूं। सिकंदर ने डाकू के शरीर को बांधा था, उसके मन को नहीं। ईश्वर पर अपने को समर्पण करता हूं केवल कहने से नहीं होता है। लाठी की तरह दंडवत प्रणाम शरीर के गिर जाने से किसी शरीर के गिर जाने से शरीर ही गिरता है, मन शरण में नहीं जाता।
मन भाग भाग कर स्वतंत्र रूप से काम करने लगता है। जैसे शरीर को किसी की शरण में ले जाते हैं, उसी तरह मन को भी किसी की शरण में ले जाना चाहिए जो माया के दबाव से बचा सके। ईश्वर की शरण लो, शरीर को गिरा देने से सरेंडर नहीं होता, माया का दबाव से बचने का यही उपाय है। पहले यह समझो कि तुम शरीर हो, शरीर के अवयवों में कोई हो, शरीर के भीतर वह कोई अंग हो, मन हो, बुद्धि हो। तो इसके उत्तर में ग्रंथों में है कि तुम इन सब में कुछ नहीं हो। जब तुम कहते हो कि मेरा शरीर, तभी तुम और शरीर दो हो जाते हो। जैसे तुम कहते हो कि मेरा कपड़ा, तो तुम और कपड़े दो हो जाते हो। इसी तरह बाहर में शरीर के अंग और भीतर की इंद्रियों में से तुम एक भी नहीं हो। केवल शरीर को देखो, जब तक जीवित शरीर है तब तक वह ज्ञान युक्त मालूम पड़ता है। जब इसमें से जीवनी शक्ति रहती है, जब इसमें जीवनी शक्ति नहीं रहती है, तब उसको कुछ ज्ञान नहीं होता। जागने के समय जीवनी शक्ति काम करती है, समूचा शरीर सचेष्ट रहता है, तंद्रा में मालूम होता है कि हाथ पैर कमजोर हो रहे, इंद्रियां कमजोर होती जाती हैं। इससे मालूम होता है कि शरीर के अंदर में तुम कुछ हो, जिसका सरकाव भीतर की ओर होता है। स्वप्न में वही ख्याल होता है जो मन में रहता है। नजदीक के दोस्त दुश्मन का कोई पता नहीं, मुख में मिश्री रहे और स्वप्न देखे कि नीम का पत्ता खा रहा हूं, तो मिश्री का मीठा स्वाद नहीं मालूम होकर नीम का तीता स्वाद मालूम होता है। मतलब यह कि जीवनी शक्ति, वह ज्ञानमय शक्ति, वह चेतन पुरुष की ही शक्ति से शरीर में शक्ति है, और उसी से शरीर ज्ञानवान है और विषयों का रस ज्ञान करता है। शरीर के अंदर में शरीर से भिन्न पदार्थ तुम हो। कितने कहते हैं कि दो नहीं, शरीर बनने के जितने तत्व हैं सभी के मिल जाने से एक जीवनी शक्ति आप ही प्रकट हो जाती। शरीर मर जाने से जीवनी शक्ति नहीं रहती, यह अनात्मवाद की दलील है। किसी शरबत में आप सौंप नहीं दीजिए तो क्या उसमें सौंप की गंध और सौंप का गुण आज हो सकता है? अथवा मिक्सचर वाली दवा में जो औषधि आप नहीं मिलाते हैं, उस दवाई का गुण नहीं होता है। इसलिए चेतन पुरुष कोई चीज नहीं है, इसको कैसे समझा सकते हैं? कैसे समझा सकते हो? मृतक शरीर में पांचों तत्व मौजूद ही हैं। उसको जड़ कहोगे कि चेतन, सोने की हालत में भी चेतन पुरुष का काम होता था, चेतन पुरुष के रहने पर ही स्वप्न में काम होता था, लेकिन उसके नहीं रहने से कोई काम नहीं करता, शरीर में ज्ञान नहीं रहता। असल में शरीर जड़ है, जड़ जड़ के मिलन से चेतन हो जाए असंभव है। जैसे मिक्सचर में एक दवाई के नहीं रहने से उसका गुण नहीं हो सकता। ग्रंथकारों ने जड़ चेतन को अलग अलग फुटाकर बता दिया है, इन दोनों में मेल हो गया है। इसी को दुख सुख है, इसी को दुख सुख है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जदपि मृखा छूटत कठिनाई। भगवान श्री कृष्ण ने 31 तत्वों को श्रीमद भगवत गीता में गिना दिया, ये क्षेत्र कहलाते हैं। इस क्षेत्र में जब क्षेत्रज्ञ रहता है तब इसमें ज्ञान होता है। यह करूंगा, वह करूंगा, राग द्वेष सुख दुख आदि विकार होते हैं। हमारे सदग्रंथों में जड़ चेतन को अलग अलग फुटाकर बताया है। बाली मारा गया, तारा रोती थी, श्री राम ने कहा कि चितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा, प्रगट सो तन तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। चेतन आत्मा को काट नहीं सकते, मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, सड़ा नहीं सकते,
हम सोचे कि हम क्या हैं, चेतन आत्मा और हमारा शरीर यह है, इस शरीर में वह चेतन आत्मा है, इसलिए शरीर के गुण से हम गुणान्वित होते हैं। जैसे रोशनी के ऊपर रंगीन बल्ब लगा दें तो उस रंग के अनुरूप रोशनी बाहर निकलेगी, फिर वह बल्ब हटा देने से साफ रोशनी निकलेगी। यह आत्मा शरीर के संग में सुखी दुखी होने के और जो जो भाव होते हैं वे होते रहते हैं। आप वही हैं, जड़ और चेतन का मेल हो गया है। केवल शरीर ही जड़ नहीं है, मन और बुद्धि भी जड़ है। सृष्टि कर्म को बतलाते हुए शास्त्र में कहा है, प्रकृति से बुद्धि होती है, जड़ से जो चीज बने वह जड़ है, मिट्टी से जो चीज बने वह मिट्टी है। जड़ के संग चेतन आत्मा का ऐसा मेल हो गया है जैसे दूध और घी। केवल दूध से जो काम हो वह केवल घी से काम नहीं होता। दूध से घी निकाल लेते हैं, मूझ से जैसे सीक को निकाल लेते हैं, उसी तरह हार मांस चाम का जो यह स्थूल शरीर है इसको पहले विचार कर देखो तो एक ही नहीं है। मूझ की तरह यह शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ शरीरों को हटा दो तो बिना बल्ब की बिजली हो जाओगे। तब तुम अपने तई को पहचानोगे और जिसको परमात्मा कहते थे उसको भी। अपने को परमात्मा की शरण में ले जाने की बात यह है कि जहां दूध रखोगे वहां घी रहेगा ही। संसार में कहीं जाने से मन से छूटा नहीं जा सकता। स्वर्ग में जाओ तब भी संसार में ही रहोगे। बाहर संसार में कहीं जाना, ईश्वर की शरण में जाना नहीं है। तंद्रा में हाथ पैर की शक्तियों का सिमटाव होता है, अंतर्गति में चैन मालूम होता है। कोई जगा देता है तो बुरा मालूम होता है। अंदर की ओर चलोगे तो शरीर इंद्रियों का संग छूटेगा, चैन मालूम होगा। जागृत में आपका स्थान कहीं है और स्वप्न में कहीं, सुषुप्ति में कहीं। जागृत में चेतन जहां रहता है स्वप्न में उससे नीचे घसकता है। चाहिए तीन अवस्थाओं से ऊपर जाना। अपने को ऊपर उठाने के लिए बहुत अच्छा यत्न है कि अपना सिमटाव करना। बिस्तरे फैले हुए समेट लो, ढेर हो जाएगा। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है, मन और चेतन आत्मा का सिमटाव होगा। चेतन आत्मा चौथी अवस्था में चली जाएगी और बार संसार का ज्ञान नहीं रहेगा। सकल दृश्य निज उदर में सोभ निद्रा तज जोगी, सोई हर पद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। यह ऊपर की ओर उठने वाली ईश्वर की ओर जाता है, तंद्रा में सिमटता है, उसको रस मालूम होता है। तो क्या ईश्वर की ओर जाने वाले को रस नहीं मिलता है? भजन में होत आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादर भींजत है कोई संत। संत कबीर साहब मन समेटने में भागता रहता है। कितनी ही बार मन भागता है फिर सिमटता है। हारो मत, इसमें जो नहीं हारता है तो धारणा होती है। इसमें किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे वह हलवाहा हो वह विद्वान। विद्वान अविद्वान कोई रहो, अभ्यास करो। अभ्यास करते करते प्रत्याहार से धारणा होती है। जिस काम के लिए बहुत कोशिश होगी, चाहे वह काम कितना कठिन हो, कुछ न कुछ अवश्य होता है। करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। ईश्वर की शरण में जाओ। ईश्वर की ओर जाने में शरीर ज्ञान नहीं होता, शरीर ज्ञान में ईश्वर ज्ञान नहीं होता। सिमटाव करते करते शरीर का ज्ञान छूटता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तुम्हें
सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन तो ऐसे शरण में थे ही कि भगवान के विचार के विरुद्ध चलने का मन का उनका इरादा नहीं था, न शक्ति थी। अर्जुन और दुर्योधन दोनों आदमी श्री कृष्ण के पास का युद्ध का समाचार बताने और उनसे सहायता मांगने, अर्जुन कितनी शरण में थे कि सेना न लेकर केवल उनको ही लेते। यद्यपि वह जानते थे कि भगवान युद्ध नहीं करे, कितनी शरण में हुए थे, फिर भी शरण में होने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं और भी शरण होने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं। और परिभाषा यह है कि सब धर्मों को छोड़कर, कोई भी धर्म कैसे छोड़ेगा? क्या संतान उत्पन्न करने के वैवाहिक नियम छोड़ देगा? गरीब को दान देना, देश की रक्षा करनी और देश को अच्छी हालत में रखना छोड़ देगा? संसार का धर्म कभी छोड़ नहीं सकता। इसका उत्तर है कि सभी धर्म तब छूटेंगे जब सभी कर्मों को कोई छोड़ दे। संसार में रहकर कोई कर्मों से नहीं छूट सकता। चौथी अवस्था में जो जाता है, सूरत के ऊपर में बैठक होती है, वहां का ठहराव जिसको होता है, उससे बाहर का कोई कर्म नहीं होता। उसका पिता या पुत्र कोई बैठा रहे, उसको वह नहीं जानता। इस तरह सब धर्मों को, सब कर्मों को छोड़कर, धर्म को छोड़कर वह ईश्वर की ओर रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत आदि। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर कनखुदिया अररिया में दिनांक 3/3/1963 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।